तो रोजगार मांगना क्या गलत है इस देश के अंदर? अब रोजगार मांगना भी एंटी नेशनल कह दो आप तो इस देश के अंदर। अच्छा भजन कीर्तन से पेट भर जाएगा, पेट पल जाएगा, देश में लोकतंत्र का विघटन चल रहा है। जिस प्रकार ऐसा लोकतंत्र का काला दौर हमने तो इतिहास में कभी नहीं देखा कि एक साथ 141 सांसदों को सस्पेंड कर देना इतनी बड़ी संख्या में, और उनकी मांग क्या थी? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री संसद में आकर जो सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर आधिकारिक तौर पर बयान दे, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते। इससे तो उनकी प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया ना, देखिए संसद में आकर हो रही है, संसद में आकर आधिकारिक तौर पर बयान क्यों नहीं देते? जब देश की संसद ही सुरक्षित नहीं तो देश के आम लोग कहां से सुरक्षित होंगे? ये सीधा सीधा सवाल तो उठता है ना। अगर सुरक्षित है तो पहले 2001 के अंदर भी इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी जब घुसे आतंकवादी, और अब प्रदर्शनकारी घुसे तो भी इन्हीं की, और वो वीआईपी जो पास था वो भी बीजेपी एमपी का ही तो था। रोजगार मांगने गए थे ना वो। हाँ तो रोजगार मांगना क्या गलत है इस देश के अंदर? अब रोजगार मांगना भी एंटी नेशनल कह दो आप तो इस देश के अंदर। बेरोजगारी की स्थिति जनता के अंदर इतने गुस्सा भरा किसने? सरकार की पॉलिसीज ने हाँ, मोदी जी तो सुधीर उर्फ तिहाड़ी को कह तो रहे थे कि आपके बाहर कोई पकौड़े का ठेला लगाता है तो वो भी रोजगारी है, तो प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं लगा लेते अपना पद छोड़ के पकौड़े का ठेला? हाँ तो ये बात आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? वो भी तो ये काम कर सकते हैं। वो अगर पॉलिसीज अच्छी, नौकरी पढ़े लिखे लोगों को उनके शिक्षा और उनकी स्किल्स के लायक नौकरी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो अपना पद छोड़ दें वो। पर सरकार तो कहती है लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, आंदोलनजीवी। अच्छा कुछ लोग हैं यहाँ जनता, आप भीड़ देखिए, किसान आंदोलन के अंदर भी आपने कुछ लोग ही कहा था, फिर उनके आगे भी तो आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि मैं नहीं समझा पाया किसानों को। कुछ लोग की गारंटी चल रही है ना देश में, देखिए हाँ मोदी जी की गारंटी चल रही है, गारंटी देके आए थे राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे सड़कों के ऊपर, मोदी सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देगी। लेकिन कल राज्यसभा के अंदर औपचारिक तौर पर बयान आया है सरकार का कि उनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं है राजस्थान के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने की। तो चुनाव जीतते ही मुकर गए अपनी गारंटी से, लुभावने तो वादे कांग्रेस ने भी काफी किए थे, देखिए तो कांग्रेस ने पूरे भी तो किए थे, और मोदी की गारंटी झूठे वादे करके आए हैं, झूठे तो वादे नहीं किए उन्होंने। अगर चिरंजीवी योजना लागू की तो लोगों को मुफ्त में इलाज मिला। अब आप राजस्थान में सरकार बदली है तो जाकर के पूछिएगा कितने लोग आप लोग चाहते हैं, जनता बीमारी पड़ा रहे, बिस्तर पे पड़ा रहे, चिरंजीवी से क्या होगा, राशन दीजिए 5-5 किलो। राशन क्या अशोक गहलोत सरकार राशन किट नहीं दे रहे थे? फ्री में राशन भी दे रहे थे और मुफ्त इलाज भी दे रहे थे, और शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खोले जा रहे थे। लेकिन ना तो ये सरकार को एजुकेशन से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। एजुकेशन बजट तो इन्होंने इतना कम कर दिया। हिंदू विरोधी सरकार है कांग्रेस। अच्छा ये बड़े हिंदू विरोधी हैं जो तलवारें लहराते हैं मस्जिदों के सामने, ये कौन सा हिंदू धर्म सिखाता है? अगर और ये आप लोग इनको हिंदू के पक्ष के लोग कहते हैं या योगी कहते हैं, योगी कहते हो ना आप जिस आदमी को, योगी कभी भी सत्ता का भोगी नहीं होता। अयोध्या सबकी है, हम भी जाएंगे वो भी जाए, राम सबके हैं, राम बीजेपी वाले थोड़े ही लेके आए हैं। ये कहते हैं जो राम को लाएंगे, इनकी इतनी औकात है क्या जो राम को ले आएंगे? राम भगवान सबको लाए, ये कहते हैं जो राम को लाएंगे। तुमने तो टेंट में छोड़ दिया था राम को, जो उसके मस्जिद के द्वार किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी सरकार ने ही तो खुलवाए थे। और एक बात और बता दीजिए, ये फैसला तो कोर्ट का है ना राम मंदिर का, और कोर्ट का फैसला है तो सरकार इसमें श्रेय क्यों ले रही है? अगर सरकार का इसमें श्रेय ले रही है सरकार कि भाई हमने उससे जुडिशरी से फैसला दिलवाया, तो यह तो लोकतंत्र के भी विरोध है। आप जुडिशरी पे प्रेशर बना रहे हो, उसको न्यूट्रल नहीं होने दे रहे हो। ईवीएम पर कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उसमें एक मांग रखी गई है कि जो भी वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो वोटर को दी जाए, और उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स रखा जाए जिसके अंदर वोटर अपनी पर्ची अपनी संतुष्टि के बाद डाल दे, बाद में उसकी भी काउंटिंग हो, ताकि एक भरोसा रहे चुनाव आयोग पर थोड़ा सा। अब भटके हुए हिंदू है, युवाओं भटक गए हुए हैं। अच्छा काम नहीं आ रहे हैं। ये नया भारत का है क्या? मोदी के नए भारत की बात कर रहे हो आप, जहाँ रोजगार शिक्षा की बात करने वाले हिंदू भटके हुए हिंदू है? अरे भटके हुए हिंदू तो वो हैं जो दूसरे धर्म को गालियां देते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। असली भटके हुए हिंदू तो वो हैं, और हम उनको हिंदू मानते भी नहीं हैं।
आरएसएस के लोगों को आप हिंदू से क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी विचारधारा में और श्री कृष्ण भगवान जी की गीता पढ़ी आप, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मनुस्मृति और गीता का। मंदिर बन गया, भजन कीर्तन करिए, क्या रोजगार करना है? अच्छा, भजन कीर्तन से पेट भर जाएगा, पेट पल जाएगा, तो आप क्यों नहीं पाल लेते? आप ये मीडिया वाले क्यों बने बैठे हो? आप भी तो यूट्यूब से कमा है। हिंदू विरोधी है। सरकार से रोजगार पर सवाल करना सनातन विरोधी कैसे हो गया, मुझे ये बता दीजिए। हिंदू विरोधी है आप। कैसे हो गए कैसे हो गए? हमने तो नहीं किया कभी। आप कब सवाल कर रहे हैं? अच्छा, सवाल कौन लाया है? रामलला को घर कौन लाया? रामलला हम सबको लाए। हम इंसान की औकात नहीं है भगवान को लाने की, भगवान इंसान को लाए। रामलला को टेंट बनाते हैं, बारिश में भीगते थे वो। अच्छा, भगवान ने हम सबको घर दिया है, ना कि बीजेपी या इंसान ने भगवान को घर दिया है। इतनी किसी की औकात नहीं है जो भगवान को घर दे सके। दिल्ली हम लोग आए हैं संसद घेराव करने के लिए। पुलिस से डर कहा लगा? पुलिस लगा तो है, देख रहे हैं वो लाठियों से। हम डरने वाला नहीं, हम तिरंगे वन गांधी वादी विचारधारा के लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम काम करने वाले नौजवान है। संसद में नहीं घुसेंगे, संसद घेराव करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और ये ऐसी लोकतंत्र खतरे में किए करेंगे लोग? उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे वो सांसद। उपराष्ट्रपति का अपमान कैसे किए? उसमें किए क्या? अपनी बातों को रखना क्या अपमान हो गया? क्या आप मनीष जी को किया गया? मनीष जी ने क्या किया उनमें? और इसमें जो सांसद को हटाया जा रहा है, इस तरह से काम किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य का काम है। देश आज के देश में देश लोकतंत्र खतरे में कैसे? कांग्रेस की हार की बौखलाहट है ये सब कुछ। कांग्रेस अभी हारी नहीं है, कांग्रेस लड़ रही है और कांग्रेस जीत भी रही है। क्या कांग्रेस, अगर आप देख रहे हैं सरकार भी बनी है, मध्य प्रदेश में सीटें कम आई है, राजस्थान में सीटें कम आई है, छत्तीसगढ़ में सीटें कम आई है, लेकिन सीटों से कम आने से इससे अंतर नहीं उपलब्ध किया जा सकता है। देश में नौजवानों के रोजगार देने से, देश में किसानों का हक देने से, देश में शिक्षा की व्यवस्था देने से, देश में कानून व्यवस्था सही लागू करने से, मंदिर चाहिए, मंदिर मिल रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है देश में। आप नहीं चाहिए आपको मंदिर, आस्था का विषय है, मंदिर आस्था के विषय में हम कोई दिक्कत नहीं। मंदिर अपने जगह, हम भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान शंकर को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। धन्यवाद कहिए कि मंदिर दे रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर बनना अच्छा चीज है, मंदिर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मंदिर से किसी के शिक्षा नहीं मिलेगी ना, मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। और कमलनाथ क्यों कह रहे थे फिर मंदिर का ताला हमने खुलवाया? ताला कांग्रेस के दौर में जो भय चल रही सब चीजें, अब वो चीजें चलती रहेंगी। कांग्रेस ऐसा जो कि सभी धर्मों को जोड़ के चलता है। हिंदू बनना चाह रही है क्या कांग्रेस? हिंदू थी और उसमें सारे वर्ग हैं, सिंधु मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब भोजपुरी में पूछा जाता, भोजपुरी में बतिया ला जा। कांग्रेस ना भटकल बा भैया, कांग्रेस संघर्ष करता रोड पे, देखा आप लोग नौजवान लोग देखा ना पूरा एकदम, पुलिस ऐसे लगावा, मिलिट्री ऐसा लगावा कि नौजवानन से मोदी जी डराए गलवा, अमित शाह कभी करेजा ढकढकाता। हम भटकल नहीं भाई, हम लड़ता है देश बदे, संघर्ष करता है, रोजगार मांगे तो भटकल, रोजगार देश में मोदी मोदी हो रहा है। आप यहाँ पे आपको मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, आप मीडिया के लोग हैं, एक तरफा सवाल पूछ रहे हैं कि देश में मोदी मोदी दिखाया जा रहा बा, लेकिन सच्चाई बा कि देश में बेरोजगारी एकदम चरम पे बा, महंगाई एकदम चरम पे बा, नौजवान सड़क अपने हक अधिकार के लिए लड़त आया। सबसे बड़ी समस्या हो गल बा देश में कि हर जगह नौजवान किसान का सही धान का और गेहूँ का रेट नहीं मिलता, किसान का सही व्यवस्था नहीं मिलता। आज के सरकार में महिला सुरक्षित नहीं भाई, खुद ही विधायक लोग रेप करता, 25 साल का सजा हो जाता है सरकार में। बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी आपके देश में सरकार है तो बीजेपी तनाशाह दिखा रही बा। अब जीती जो चुनाव उसमें जनता कुछ टेक्निकल गेम है भाई, अगर जिसके हाथ में सरकार है अब लगता तो ऐसा ही कुछ है। अब वो जब तक ईवीएम की सेटिंग है, सबसे अच्छी बात ये होगी, सबसे अच्छी बात ये होगी कि बैलेट पेपर में चुनाव करावे ना मोदी। अगर आप ईवीएम से दिक्कत हो रही है, बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? प्रियंका को तो दिक्कत नहीं है ईवीएम से। दिक्कत नहीं क्यों, उस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा, नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं आंदोलन कर रहे राहुल गांधी प्रियंका गांधी? आंदोलन ही तो कर रहे हैं लगातार, युवा कांग्रेस का आज आंदोलन है तो देख रहे हैं, प्रशासन पूरी लाइन पे लग गई सड़कों पे, लगातार आंदोलन हो रहा है।